If I see something happening wrong with a man, तो मैं लड़की का साथ देने वाली तो हूँ नहीं. अच्छा जी बिल्कुल. और अगर मैं देखूँ कि किसी औरत के साथ ज्यादा हो रही है तो मैं मर्द का साथ देने वाली भी नहीं हूँ. आई एम वन ऑफ दोज पीपल, आई बी ऑल फेयर. तो फेमिनिस्ट मैं इस तरह की हूँ कि जहाँ सच है, जो हकीकत है, वो आप दूसरे के मुंह पे बोल दें. लाइक इट और नॉट लाइक इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, बट आई एम गोना बी फॉर एग्जाम्पल मी टू मूवमेंट. मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ. आपकी कहीं हरासमेंट अगर हो रही है तो आप उसका सबूत लेके नहीं आ सकते. आप कभी कैसे ला सकते? नहीं ला सकते. तो उस सिचुएशन में तुम्हारा फेमिनिज्म क्या कहता है? मुझे लगता है कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब इस तरह की आपके साथ चीज़ें होती हैं तो आप बाकी डरे हुए होते हैं, आप नहीं बात कर सकते. आपका अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ख़ानदानों में सिखा दिया गया है कि हाय ये आपके साथ हो गया, प्लीज़ घर से बाहर किसी को मत बताना, रिश्तेदारों में नहीं पता चलना चाहिए. एक्चुअली हरासमेंट होती भी अक्सर औकात जो आप हैंडल नहीं कर पाते वो होती है जो जानने वाले करते हैं. मुझे लगता है कि अगर हमें हमारे घरों से, स्पेशली लड़कियों को, बच्चियों को ये सपोर्ट दे दी जाए, लाइक माई फादर. मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ. मेरे अब्बू ने मुझे और मेरी बहन को, ये बहुत सारे लोग हैं, ऑडियंस है, आई होप इस चीज़ से जितने वालदैन हैं, स्पेशली मर्द हजरात, थोड़ा सा उनको अकल आ जाए. मेरे वालिद मेरे भाइयों को कभी ये बात नहीं कहते थे. वो मुझे और मेरी बहन को कहते थे कि अगर किसी ने तुम दोनों को बुली कभी भी किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तुम मेरे लिए मेरे माशाल्लाह चार भाई हैं और हम दो बहनें हैं. वो हमेशा ये बात कहते थे कि किसी ने अगर तंग करने की कोशिश की तो रोती हुई घर मत आना, अगर रोती हुई घर आओगी तो मैं चमाट मारूंगा, मार के आना उसको, स्लैप दैट पर्सन, वेदर इज अ गर्ल और अ गाय. सो आई पर्सनली, एंड अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं, अगर आप में इतना है, हौसला है कि किसी ने ऐसी बात की है जिसको आप लेट गो कर सकती हैं, कर दें. नहीं कर सकती, अगर आपको फील होता है कि किसी ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, उसको वहीं रोक दें. उसको वहीं रोक दें या जब आपका दिल करे आप उस पर रिएक्ट कर लें. एग्जैक्टली, ये जो कुछ लोगों की हिम्मत नहीं होती उसका. मैं उसी दूसरी बात पे भी आना चाह रही थी कि ये बहुत अनफेयर होता है जब किसी के ऊपर, मेरे ऊपर अगर कोई चीज़ गुजर रही है तो वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है, वो तीसरे इंसान को नहीं पता. आप हर औरत में इतनी हिम्मत नहीं होती वो उसी वक्त रिएक्ट. बिल्कुल, हर दफ़ा आपके, अगर आपके साथ अल्लाह ना करे कोई ज्यादती हुई है, कोई नाजायज़ हरकत हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मौके पे ही उस बात को उठाएंगे. आप वक्त मौके के हिसाब से उसकी मुनासिबत और अपनी स्टेबिलिटी के उसके लिहाज से भी कि कब आपका ऑलरेडी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपके साथ आज ज्यादती हुई है तो आपने आज ही खड़े होना है ना. अच्छा नौशीन, आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टा एंड एवरीथिंग, फेसबुक. आपने डिप्रेशन का आपने पूरा जो द व्हाटएवर यू वेंट थ्रू अपनी पूरे फैंस के साथ शेयर किया हुआ है, अपना पूरा एक्सपीरियंस. आई बीन डूइंग दैट फॉर अ व्हाइल नाउ. व्हाई? ये सबसे पहले मुझे बताओ कि डिप्रेशन हुआ कब? व्हेन डिड यू रियलाइज कि मैं एक, मुझे डिप्रेशन का मर्ज है? सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये एक मर्ज है. हाँ मर्ज है, नॉर्मल है. नॉर्मल इसमें ये गाली नहीं है, इट्स फाइन, इट्स लाइक एनी अदर बीमारी. जो कि ये एक स्टिग्मा है जो हमें, मैं रीज़न बता देती हूँ कि पहले मैंने बात क्यों. पता तो मुझे ऐसे चला क्योंकि मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देती थी. एक अजीब सी नाउमीदी, खुशी नहीं थी, एक इनर सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है, दैट वाज मिसिंग. हैविंग एवरीथिंग इन लाइफ, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, खाते पीते अच्छा है, पहनते उड़ते अच्छा है, नाम है, इज्जत है, काम है, अल्लाह ताला ने फैमिली दी है, सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी किसी चीज़ की कमी है. तो वो एक खालीपन जो था वो मुझे बॉदर करता था. फिर हमारी, जिस तरह की हम इंडस्ट्री में हैं, इट लुक्स वेरी नाइस, दूर से जब हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से बहुत खोखली है. हम बड़े, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे और बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बुरी भी लगे, बट आई एम नॉट समबडी हूज़ गोना लाई. आई कांट लाई टू माई सेल्फ, आई कांट लाई टू माई ऑडियंस, माई फैंस, आई हैव टू बी ऑनेस्ट. जब आप थोड़ा सा दुनियावी इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं, हर किसी का अपना अपना बिलीव होता है, हर किसी की अपनी अपनी कॉलिंग होती है. जब मुझे डिप्रेशन था या मुझे एक बेसुकूनी थी तो मुझे फील होता था कि मेरी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, मैं किसी चीज़ को मिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में. पता चला वो क्या चीज़? हाँ, आई थिंक माई कनेक्शन विद गॉड, माई कनेक्शन विद सोशल लाइफ. आई हैड टू डिसकनेक्ट माई सेल्फ, मुझे अपने आप को लोगों से दूर करना था, मुझे अपने घर वालों के करीब आना था,
मुझे अपनी सोल को क्लीन करने के लिए इस फेक और ये जो ग्लिटर वाली जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर है इससे दूर रहना था. तो उस लाइफ में पहले जो लाइफ गुजर रही थी वो दैट वाज फेक, वो बहुत चमकती दमकती लेकिन खोखली. तो उससे जब दूर हुई और जब मैंने नमाज़ पढ़ना पांच वक्त की शुरू की, मुझे बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कभी कभी कि आप पांच वक्त की नमाजी हैं लेकिन आपकी अक्सर आप कपड़े ऐसे पहनती हैं जिसमें आपकी टांगे नज़र आती हैं. तो मैं कहती हूँ आप वकील बन के मेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे, सो शट अप, आप अपने काम से काम रखें, मैं जानूँ मेरा रब जाने. लेकिन मेरा जो इफ़त, मैं आपसे सही बात कहूँगी, मेरा जब से ये सोशल लाइफ काम, नमाज की तरफ ध्यान, अपने माँ बाप की तरफ ध्यान, अपनी फैमिली की जो इम्पोर्टेंस अब मुझे फील होती और है. अपनी तरफ अपनी वो अपनी तो तरफ. वो तो होता ही है, वो तो सेल्फ एनालाइजेशन, अपने आप को अंदर से तो खोजना, वो खोज शुरू होती है. आपकी खोज शुरू ही तब होती है जब अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ लाना चाहता है, वरना आप सिर्फ जाते ही नहीं है. तो मुझे लगता है कि अल्लाह को भी लग गया था कि नहीं अब इसको बस मेरी जरूरत, अब इसको मेरी ज़रूरत है. और इसने अब जितना ज़िंदगी में मस्ती मजाक हंसना खेलना पार्टी ये वो दुनिया घूमी खाया पिया काम कर लिया, अब इसको बुला लो, नहीं मिली तो अब इसको मेरी तरफ बुलाओ. और राइट मेडिकेशन ऑल्सो, दवाइयाँ ठीक है. मैं आई एम ऑन एंटी डिप्रेसेंट जो मैं पिछले 4 महीने से खा रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फील होता है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या आपने ये बात की क्यों थी, क्यों और शेयर मतलब पूरी दुनिया के साथ क्यों की? मैंने ये पहली दफ़ा बात नहीं की. मैं बहुत दफ़ा पहले भी जाके यूनिवर्सिटीज़ में, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, क्योंकि मैंने नोट किया पहले से कर रही हूँ और आपके बाद बहुत लोगों ने और करना शुरू किया. एब्सोल्युटली मैंने ये बहुत दफ़ा पहले यूनिवर्सिटीज़ में जाके सिर्फ औरतों के बीच में 200, 400, 800, 1000, 2000 औरतों के मजमे में ये बैठ के एंग्जाइटी की और डिप्रेशन की बात की है. मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो हमने एक छाप लगा दी है कि अगर कोई औरत जो है उसको मेंटल इलनेस है या अगर कोई औरत है उसको एंग्जाइटी है डिप्रेशन है तो वो पागल है, ये चीज़ मुझे ख़त्म करनी है. मेरा मिशन ही है इस चीज़ को लेके. हालांकि मैं तो ठीक हो गई, अगर ये मैं बात ना भी करूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई रियली डोंट केयर एग्जैक्टली. बट मुझे लगता है कि मेरे सुनने वाले हैं, क्योंकि इस ये शेयर करने से तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होना था. नहीं लेकिन मुझे मेरा ये है कि जब मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मैं सही डायरेक्शन में उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ तो मैं क्यों ना उठाऊँ. और ये मेरा मिशन सारी ज़िंदगी रहेगा. और मैंने तो अपने साथ ये कसम खा ली है कि ये जो एक छाप लगी हुई है ना कि औरत या मर्द दोनों डिप्रेशन में है या ये एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जो ये बात नहीं कर सकते, ये बात तो मैं करवा के पूरी पाकिस्तानियों से तो छोड़ूंगी इंशाल्लाह. इनको तो मैं इस बात को तो मैंने एक नॉर्मल बात में लेके आना है कि ये कोई गुनाह नहीं है. इट्स अ वेरी ये बड़ी आम सी बात है. औरतें बच्चे संभालती हैं, अपना घर देखती हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं. एग्जैक्टली, आपकी एज बढ़ती है, एज के साथ साथ आपका पूरा 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 बॉडी सिस्टम चेंज होता है. सेम विद मेन, आदमियों का भी यही होता है कि उनकी भी उम्र के साथ चीज़ें बढ़ती हैं, आपकी एज के ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव जो है उसमें बड़े मसले होते हैं. तो ये जो जाहिलियत है हमारी सोसाइटी में, हमारी हमें जो घरों में बता दिया जाता है कि बेटा ये वाली, अब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बगैर कहे समझ जाएंगे कि हमें लड़कियों को एक सर्टन चीज़ हो गई तो ओ इसके बारे में बात नहीं करनी. क्यों नहीं करनी? अगर आप एक शॉप पे एक चीज़ लेने जाते हैं एवरी मंथ, यू टॉकिंग अबाउट पैड, आई एम टॉकिंग अबाउट पैड, तो क्यों नहीं भाई? It's a normal thing. If a girl is having period, if a girl is having periods, तो उसको वो उसको क्या कहते हैं उर्दू में, माहवारी, whatever. माहवारी. अगर वो है तो वो तो हेल्दी है, इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर वो नहीं है तो फिर वो बीमार है. वो दरा खतरे की बात है. उस पे सोचिए कि कुछ मसला है लड़की के साथ. अगर वो पैड्स लेने जा रही है तो उसको शर्माने की दुकान वाले से क्यों है जरूरत? मतलब 13 साल की जिंदगी से आपके ऊपर एक शेम का ठप्पा लगा दिया. Exactly. ओ कोई गंदी चीज. और अगर कोई औरत किसी थेरेपिस्ट के पास जाती है तो उसको शर्माने की जरूरत नहीं है. आई एम सॉरी, ये चीजें हमें बदलनी होंगी. वेल, मैं यहाँ पे तुम्हारी ही मूवमेंट को आगे ले जाते हुए, इफ दिस इज एन इशू व्हिच इज नियर टू योर हार्ट,
कि मैं पिछले 10 साल से एंटी डिप्रेसेंट खा रही हूँ and Welcome I go to a psychiatrist regularly good and good. I feel much better after mashallah and I'll tell you something maine ye jo interview kiya hai iske baad you have no idea you have no clue ifat maine jitne logon ke mujhe dm mere instagram pe bacche boodhe doctors bachiyan mostly men ek to hota hai na ki aap kisi aur angle mein baat karne ki koshish karte nahi स्ट्रेट अवे के डॉक्टर्स के नंबर दे दें हमारी मदद करते हैं बहुत सारी औरतों ने बोला है आपके बोलने की वजह से हम बोलने लग गए हैं इट्स नॉर्मल इफ शी कैन टॉक अबाउट इट ऑन अ नेशनल टेलीविजन